नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के समाप्त किए जाने के बाद से वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। पूर्वी चंपारण, पटना, जहानाबाद और लखीसराय में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के समाप्त किए जाने के बाद से वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और राज्य में शांति बनी हुई है। आज नई दिल्ली में 46वें राष्ट्रीय प्रबंधन अधिवेशन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी निर्णय राष्ट्रहित में लिए हैं। अभी वोट बैंक के लिए हमने निर्णय नहीं लिया, इससे जनता खुश हो गई, वो हमारे निर्णय का आधार कभी नहीं रहा। जनता के लिए क्या अच्छा है वो हमारे निर्णय का आधार हुआ और इसी का परिणाम है कि इतना बड़ा परिवर्तन हम देखें। प्रदेश में वज्रपात से 8 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में 3 जबकि जहानाबाद और पटना में 2-2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं लखीसराय जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिहार, किशनगंज के गलगलिया और चरघरिया में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर बारिश कटिहार उत्तर में दर्ज की गयी। वहीं कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है जिसके कारण भारी जलजमाव हो गया है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया समेत राज्य के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश की संभावना है। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि राज्य में बच्चा चोर के नाम पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर और दरभंगा में विधि व्यवस्था की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि बच्चा चोरी की अफवाह फैलाए जाने से राज्य के कई इलाकों में विधि व्यवस्था भंग की जा रही है। उन्होंने अफवाह फैलाने वाले और भोली भाली जनता को बहकाने वाले लोगों की पहचान कर उनका नाम गुंडा पर्ची में दर्ज करने का निर्देश दिया है। इधर पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य में जुलाई से अब तक भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या की 30 से अधिक घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3,000 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की पीड़िता के साथ बेतिया में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस 5वें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को जुलाई 2018 में ही उसके परिवार को सौंप दिया गया था। श्री कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिन लड़कियों को उनके परिजनों को सौंपा जाना था उसमें पीड़िता शामिल नहीं है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में प्याज का पर्याप्त भंडार है। श्री पासवान ने कहा कि प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी कुछ दिनों के लिए है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसमें कमी आएगी, सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। रबी मौसम 2017-18 के दौरान गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार के कृषि सहकारिता और कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रसन्नता जताते हुए किसानों को बधाई दी है। इसके तहत राज्य के 2 किसानों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष 2012 में धान, 2013 में गेहूं और 2016 में मक्का के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को अब 1 वर्ष तक ईएमआई नहीं देना होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एलपीजी के महाप्रबंधक उदय कुमार ने बताया कि इस वर्ष 1 अगस्त से इस योजना से जुड़ने वाले ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा।
फिलहाल ईएमआई बंद है, या आप यूं कहें कि कोई ग्राहक अगर 6 रिफिल लेता है, 7वें रिफिल से ही ईएमआई शुरू होगी। तो कम से कम देखा जा रहा था कि लोग रिफिल लेने में डर रहे थे कि उनको पूरा भार पड़ जाएगा, उस भार को कम करने के लिए सरकार ने ये नियम लागू किए कि 6 रिफिल तक उनको जो है ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, इससे उनको सब्सिडी मिलती रहेगी। राज्यपाल फागू चौहान ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि उनके दूरदर्शी, राष्ट्रवादी और प्रभावशाली नेतृत्व में देश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, मैं उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज विश्वकर्मा पूजा श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर के विभिन्न निर्माण अभियांत्रिकी प्रतिष्ठानों और कल कारखानों में पूजा का आयोजन किया गया। इधर आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र पटना के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य की विकास दर बढ़ रही है। श्री चौधरी ने अपनी संसदीय अध्ययन यात्रा के क्रम में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करते हुए बिहार में हो रहे विकास के अनुकरणीय प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर घर बिजली, घर घर नल का जल, सड़क निर्माण जैसी योजनाओं से आधुनिक बिहार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। रेलवे ने आज से प्लास्टिक कचरा एकत्र करने का एक व्यापक श्रमदान अभियान शुरू किया है। इस दौरान सभी रेलवे परिसरों से प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने के लिए यात्रियों में जागरूकता फैलाई जा रही है। समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने कहा कि स्टेशनों और रेल परिसरों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसमें आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई है और स्टेशन पर भी जाकर के वहाँ पे एक नए तरीके का मैकेनाइज क्लीनिंग समस्तीपुर स्टेशन पे स्टार्ट किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम रहेंगे, जिसमें कि कल श्रमदान और पौधारोपण ये मुख्य एक्टिविटी होगी। उसके अलावा स्टेशन परिसर और रेलवे परिसर, रेलवे कॉलोनी, बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया और अप्रोच रोड, इन पे भी सफाई का कार्यक्रम रहेगा। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा के कारण प्रदेश में गंगा समेत अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी बक्सर, पटना के गांधी घाट, दीघा घाट और हाथीदह में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सोन नदी पटना के मनेर में खतरे के निशान से लगभग 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा और सोन के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं घाघरा नदी सीवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। इधर गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान के करीब दर्ज किया गया। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कटाव का संकट पैदा हो गया है। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया कि गंडक बराज से रिकॉर्ड 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे गंडक नदी के किनारे वाले क्षेत्रों के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राज्यपाल फागू चौहान ने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज गया में पिंडदान किया। श्री चौहान ने गया के विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। पश्चिम चंपारण जिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा पोषण जागरूकता अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अरवल जिला मुख्यालय में भगत सिंह चौक से इंदौर स्टेडियम तक राष्ट्रीय पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। पटना पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय के 5 हॉस्टलों को सील कर दिया है। कल देर रात हॉस्टल के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी की घटना के बाद ये कार्रवाई की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए के समाप्त किए जाने के बाद से वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। पूर्वी चंपारण, पटना, जहानाबाद और लखीसराय में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।